ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय धर्म की अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में शुद्ध भावना प्राणियों में शुद्ध भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हर हर महादेव अखिल ब्रह्मांड नायक परात पर नंद नंदन बाल मुकुंद भगवान श्री श्याम सुंदर पुण्य सल्ला माँ गंगा मैया उत्तरांचल की गिरी गुफाओं में विराजमान सिद्ध योगी महर्षिगण भूपति ब्राह्मण भक्त माताएं अन्य सभी की अंतरात्मा में विराजमान भगवान श्री हरि को हमारा प्रणाम स्वीकार हो। श्री हरि नाम संकीर्तन यात्रा के अंतर्गत यहाँ पर पूर्णाहुति है, तो जो कुछ बोलना था वो शास्त्री जी ने बोल दिया। मैं तो केवल राम नाम की महिमा क्या है
और कैसे इसके द्वारा कल्याण करें और क्यों कल्याण करना चाहते, केवल इस विषय पे टूक में सूक्ष्म में आपको शास्त्र सम्मत, श्रुति सम्मत और वेद सम्मत विचार रखूंगा। देखो, सबसे पहले हमें ये समझना है हम धर्म का पालन क्यों करना चाहते हैं, हम भगवान का भजन क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए हमें। धर्म कर्म पूजा पाठ संध्या गायत्री अग्निहोत्र बलि वेश दान पुण्य तीर्थ यात्रा क्यों करनी चाहिए, इसका लक्ष्य क्या है, तो ये सब क्यों किया जाता है। तो इसका उत्तर ये है कि ऐसा करने से, संध्या गायत्री बलि वैष्णव दान पुण्य तीर्थ यात्रा धर्म कर्म करने से हमारा मन पवित्र हो जाता है और मन पवित्र होने से हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है ना। अब विषय आया भाई भगवान की प्राप्ति क्यों करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं भगवान की प्राप्ति, क्या जरूरत है भगवान की प्राप्ति। बढ़िया एसी कमरे मकान मिला हुआ है, रहते हैं बढ़िया, खाने को सबको भोजन है, सबके पास गाड़ियां हैं, बंगला है, सबके पास बेटा बेटी माता पिता भाई बंधु संबंधी सब कुछ है, अच्छा सम्मान मिल रहा है, फिर क्यों हम भगवान की प्राप्ति करना चाहते, क्यों इस संसार को छोड़ के जाना चाहते, क्यों अपने ऐसो आराम को छोड़ना चाहते, क्यों संपत्ति को छोड़ के भगवान की प्राप्ति करना चाहते। अब ये भी तो विषय है ना, वो इसलिए है क्यों, क्योंकि संसार के वस्तु और व्यक्ति, वस्तुओं में सभी चीज आ जाती है, मकान दुकान गाड़ी बंगला मकान धन संपत्ति कपड़ा लत्ता सब कुछ आ जाता है, और व्यक्ति, व्यक्ति में माता पिता भाई बंधु संबंधी रिश्तेदार सब कुछ आ जाता है। इन दो के द्वारा मिलने वाला जो सुख है वो स्थाई नहीं है, वो क्या है, स्थाई नहीं है, अनित्य है। तो इनसे मिलने वाला जो सुख है वो स्थाई नहीं है, सदैव रहने वाला नहीं है, और हम सभी प्राणी ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में सदैव सुख रहे, सदैव आनंद रहे, सदैव प्रेम रहे, सदैव आनंद की, शांति की, प्रेम की अनुभूति रहे, लेकिन वो हो नहीं पाती। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं सुख शांति सदैव रहने वाला, और चाहते ऐसे वस्तु और व्यक्ति से वो जो कभी रहने वाले नहीं है, इसलिए सदैव रहने वाला सुख शांति हमको प्राप्त नहीं हो पाती है। तो भाई सदैव रहने वाला कौन है, जिससे सदैव रहने वाला ही शांति हमको प्राप्त हो, तो बताया सदैव रहने वाला केवल परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं। तो वो परमात्मा से हमारा क्या संबंध है जो हम उनको प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये आपको विषय मूल है, जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक आप भगवान की भक्ति, भगवान का ज्ञान, भगवान का ध्यान यथार्थ रूप में नहीं कर सकते, और अगर करते हैं तो उसमें आडंबर आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, प्रदर्शन आ जाएगा, धन दौलत कमाने की वृत्ति आ जाएगी। और यदि आपने इस संबंध को समझ लिया तो यथार्थ में आप दान पुण्य धर्म कर्म सुचारू रूप से करेंगे। तो हमारा भगवान से क्या संबंध है, हमारा भगवान से संबंध क्या है, ममेवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मन सृष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतस्थानि करुषति। अर्थात हमारा भगवान से क्या संबंध है, मम एव अंश जीव लोके जीव भूत सनातन। अर्थात भगवान खुद कहते हैं, कोई और नहीं कह रहा, बोले स्वामी जी कह रहे हैं ग्रंथ, नहीं नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, ममेवांसो, इसकी संधि कर देंगे, मम एव अंश ममेवांसो जीवलोके, अर्थात मम एव अंश, ये जो जीवलोक में, समझिए इस देह में, खाली जीवलोक नहीं समझना,
इस देह में जो अंश है वो मेरा है, और कैसा अंश है? सनातन है। देखो, सनातन का अर्थ होता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों से रहित, अर्थात त्रिकाल अवादित, जो तीनों कालों में रहे। अर्थात ऐसा नहीं है कि जब भजन करें तो भगवान के, और जब भजन नहीं करें तो भगवान के नहीं, ऐसा नहीं है। जिसका हाथी, जाको हाथी, हमारी ब्रज भाषा में बोलते हैं मथुरा वृंदावन में, जाको हाथी गांव गांव, जिसका जो हाथी होता है, बेटा है आपका, आपका बेटा इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, वेस्ट इंडीज, कहीं भी चला जाए, बेटा वो आपका ही रहेगा, दूसरे का बेटा हो ही नहीं सकता। चाहे आपसे लड़ाई झगड़ा हो जाए, संबंध खत्म हो जाए, लेकिन बेटा वो आपका ही रहेगा, दूसरे का बाप नहीं बन, मान सकता है लेकिन है वो नहीं सकता। ऐसे ही हम सब भगवान के अंश हैं, और स्वयं भगवान कहते हैं सनातन जी मेरा अंश है, हम भगवान के हैं। लेकिन मन सृष्टाणि इंद्रियाणि, लेकिन मन बुद्धि इंद्रियों को अपना मानकर प्रकृति द्वारा आकर्षित होकर जन्म जन्मांतर में भटकते रहते हैं। पुनरपि जन्म, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी, जठरे सैनम, इस संसारे खलु दुस्तारे कृपा पारे पाए। ए जन्म, कभी गाय बन गए, कभी भैंस बन गए, कभी कुत्ता बन गए, कभी बिल्ली बन गए, कभी सुअर, कुकर, पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, आकाश पातल, वायु, सूरज, चांद, सितारे, ये शरीर हम धारण करते रहते, केवल इसलिए क्योंकि हम अपने अपने अस्तित्व को, अपने स्वरूप को, अपने निजी स्थान को नहीं जानते। और जिस दिन जान लेंगे, उसी दिन हमारे जीवन में सदैव रहने वाली शांति, सदैव रहने वाला सुख, सदैव रहने वाला प्रेम अपने अंदर ही आ जाएगा। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, मैं जब छोटा था तो हमारी जन्मभूमि में एक महात्मा जी थे, बाबा महाराज, नागा बाबा, तो वो लंबी लंबी जटाएं और कपड़ा लत्ता नहीं पहनते थे, भस्म भभूति और राख लपेट के, और तामझाम। मैं कहता हूँ यार जी, बाबा देखो, खाने के लिए भोजन नहीं है, मांग मांग के रोटी खाते, दो पांच घर से भोजन मांग के खाते थे, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, राख लपेटे, फिर मुंह पे भी राख लपेट रखी है, रहने के लिए मकान नहीं, एक शिवालय था, उस शिवालय में पड़े रहते, डबरू बजाते भजन। तो मैं कहता इनके पास रोटी, कपड़ा और मकान तीनों नहीं है, लेकिन गाँव में जब आते थे तो ऐसा लगता था ये शहंशाह हैं दुनिया के, गुरुजी आ गए, सब चारणों में प्रणाम कर रहे हैं, अरे गुरुजी आ गए, भाई ऐसी क्या बात है इनके अंदर। हमारी जो माँ थी, उन्होंने उनको गुरुजी बना रखा था, तो उनसे कह रखा था जरूर आना, तो वो रोया थे। मैंने एक बार, कोई नहीं था, मैंने भिक्षा उनको दी, मैंने पूछा गुरुजी आप हमेशा आनंद में क्यों रहते हो, आपको कोई टेंशन नहीं, आपको कोई परेशानी नहीं, आपको कोई दुविधा ही नहीं है, और यहाँ सभी लोग प्राणी रोटी कपड़ा मकान इसके लिए सुबह से लेकर शाम तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक लगे रहते, फिर भी कुछ नहीं पूर्ति हो पाती, फिर भी अभाव रहता सुबह से लेकर शाम तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक, और आपके पास ये तीनों चीज नहीं है, फिर भी आनंद में रहते हो, क्यों? तो उन्होंने कहा बेटा, हमारे पास ईश्वर का ज्ञान है, और जब तक ईश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तब तक प्राणी कभी सुखी हो ही नहीं सकता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशी। ये जो जीव है, ये ईश्वर का अंश है, जड़ नहीं, चेतन है, अमल है, पाप नहीं, पवित्र है, आनंद की राशि। आनंद हमारे अंदर, कहीं बाहर से नहीं लाना हमको, हमारा स्वरूप है। तो अब हम, प्रश्न ये आया कि ऐसे परमात्मा से हमारा संबंध है तो कैसे प्राप्त करें, मन हमारा पवित्र हो जाए और हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो देखो, सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता युग में यह करने से, द्वापर में पूजा करने से जो भगवान की प्राप्ति होती है, कल युग में केवल हरि नाम संकीर्तन करने मात्र से मन की शुद्धि होकर ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। बोलो गोविंद भगवान की।
जो 10,000 साल तपस्या करी वही त्रेता युग में 1,000 साल के बराबर है और द्वापर में 100 दिन के बराबर है, कलयुग में 1 दिन के बराबर है। आज मैंने स्वाध्याय नहीं किया, क्यों? मैं सुबह से बड़ा उत्साहित था कि भाई यहाँ पर मंडली आई है, हरि नाम संकीर्तन होगा, श्री राम, जय जय राम। तो मैं तो सुबह से इतना प्रफुल्लित था, मुझे वहाँ कोई बुलाने नहीं गया, मैं तो स्वयं आया। मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरे अंदर उत्साह तक हरि कीर्तन होगा। लेकिन अब यहाँ आके देखा तो ये सब कैमरा वैमरा ये सब मुझे नहीं मालूम था, ये सब ताम झाम। मैं तो सोच रहा वो मशीन चल रही थी तो मुझे क्या मालूम था, मैं तो मौन में था। मैंने सोचा ये हरि कीर्तन कर रहे हैं शायद, तो मैं तो जल्दी दौड़ पड़ा। मैंने कहीं ऐसा नहीं यार, अपन समय ज़्यादा से ज़्यादा निकलना चाहिए। यहाँ आके देखा तो भैया मशीन चल रही थी यहाँ तो सब। बोलो गोविंद भगवान की। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि कलयुग में केवल 1 दिन मात्र से 100 दिन द्वापर के, 1,000 दिन त्रेतायुग के और 10,000 सतयुग के बराबर है। तो हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। तो मन को पवित्र करने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए हमें 2 साधन अपनाने चाहिए, तीसरा कोई साधन नहीं अपनाने चाहिए। बिल्कुल किसी की बात मत मानो, सब मूर्ख बना रहे, इनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, धर्म का ज्ञान नहीं है। यथार्थ में सुन सुना के टीवी मोबाइल में इधर उधर देख दाख के बस करने लग गए, शास्त्र का जो अर्थ है वो तात्पर्य मालूम ही नहीं है। 2 अपनाना चाहिए और कठिन नहीं है, वो क्या? पहला हरि नाम संकीर्तन और दूसरा स्वाध्याय यानी सत्संग। सत्संग करो, सत्संग से ज्ञान प्राप्त होगा। हरि नाम संकीर्तन करने से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, मन पवित्र होगा। ये शास्त्र सम्मत बात है, ये उल्टी सीधी बात नहीं कि कुछ भी आम हमें बोल दिया टीवी मोबाइल में बोलने, नहीं ये गलत बात है। हरि नाम संकीर्तन करने से मन पवित्र होगा, मन पवित्र होने से ही उसमें ईश्वर का ज्ञान प्रकट होगा और ईश्वर का ज्ञान रते ज्ञानाने मुक्ति, बिना आत्मज्ञान के मुक्ति होने वाली नहीं है। और बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन, ये चौपाई मैंने बनाई है, ये संस्कृत की तो नहीं है, तो हिंदी की है। इसीलिए सत्संग और हरि नाम कीर्तन 2 अपनाना चाहिए। अब सत्संग तो हर जगह मिलता नहीं है, सत्संग तो लड़की भी कर रही है दुनिया, जो कोई आ रहा है कोई काम नहीं चला तो एक काम करते, जेई में सक्सेसफुल नहीं हो रहा, कैरियर नहीं बनना, तो चलो भैया कथा करना सीख जाओ, थोड़ा गीत गाना सीख जाओ, पेटी वेटी बजाना। अब सत्संग यथार्थ मिलना दुर्लभ है। तो बताया अगर कोई सत्संग नहीं मिले तो स्वाध्याय करो, नित्य प्रति रामायण का, गीता का, भागवत का, शिव पुराण का अध्ययन करो। सुनने वाला मिले सुनाओ, सुनाने वाला मिले सुनो, कोई नहीं मिले तो स्वयं आनंद में रहो। अर्थात नित्य प्रति सत्संग करना ही चाहिए। अब वो सत्संग चाहे स्वाध्याय से हो, पठन पाठन से हो या श्रवण से हो, एक उपाय। दूसरा उपाय, हरि भगवान का नाम हमारे हृदय में बैठ जाए। ये विधि मैं आपको बताता हूं। वैसे ये विधि जो बताई जाती है शास्त्रों की, गुरु साधु महात्मा, ये हर किसी को नहीं बताते, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण तेजस्वी बनेगा, ओजस्वी बनेगा, आत्मज्ञान से युक्त होगा तो समाज का अपने आप कल्याण होगा थोड़ी। तो बोले गुरु जी मैं तो पढ़ी लिखी नहीं है। बोले भैया भजन करने में पढ़े लिखे की क्या जरूरत है? आपको भगवान का भजन करना है, इसमें पढ़े लिखे की क्या जरूरत है? तो विधि बताई। क्या विधि बताई? देखो हमारा जो शरीर है इसमें 4 वाणी है, वाणी जैसे मैं आपको बोल के बताता हूं। बैखरी वाणी, राम 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 राम, ये बैखरी वाणी, ठीक है। अब यहां से ये मध्यमा, यानी होठ हिल रहे, जीभ हिल रही है लेकिन उच्चारण सुनाई नहीं दे रहा, मध्यमा। फिर पश्यंती माने नाभि से, श्वास श्वास पर, और परा, परा समझे ना, परा चलती रहती है यहां मस्तक में। कभी कभी आप देखो ना, काम कुछ कर रहे हो मन में धुनी चलती है ना, गीत की या भजन की या कोई ऐसी चुपचाप चलती रहती है ना, वो परावाणी होती है।
पर बैखरी से सौ गुना मध्यमा, मध्यमा से सौ गुना पश्यंती, और पश्यंती से सौ गुना परा, श्रेष्ठ वाणी होती है। इससे आपने एक माला करा, इसके दस गुना, इससे सौ और दस गुना, और इससे और हजार गुना हो जाता है। तो कैसे करना चाहिए भजन? पहले अभ्यास बैखरी से करो भाई, एकांत स्थान में। जैसे मान लीजिए आप सुबह चार बजे जगे, नहाना धोने की जरूरत नहीं है, नहाने कोई बात नहीं है, नहाना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि नहाना नहीं चाहिए, चोटी जनेऊ नहीं धारण करना चाहिए, संध्या गायत्री करनी, ये अर्थ नहीं है मेरा। अगर स्नान नहीं किया तो कोई बात नहीं, सुबह आसन पर जागे और जाकर वहीं बैठ गए और कैसे अभ्यास किया, राम 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 राम। ये तो मैं राम राम बोल रहा हूँ, अपने अपने गुरु मंत्र हैं, वो अपने आप हिसाब से सब अपना अपना कर लेना, ये मत सोचना कि यही राम है, सही है, वो अपने अपने हिसाब से राम राम। फिर यहाँ से करो अभ्यास, फिर यहाँ से बोलो, फिर चुप हो जाओ, ऐसे पांच बार बोलो। कितने बार बोलना है? पांच बार। पांच बार बोलते बोलते ऐसी अभ्यास हो जाएगा, ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि आपने देखा है वो एक वो क्या होता है, वो ऐसे ऐसे उसको घुमा देते हैं तो फिर लाइट चालू हो जाती है, जनरेटर कहते उसको, ऐसे घुमाते ना हत्ता, ऐसे घुमा दिया उसे पानी भी निकलता खेतों में, और घुमाने के बाद उसको निकाल के अलग फेंक देते वो चालू हो जाता है और मोटर पानी। ऐसे ही स्टार्ट कर दो, स्टार्ट करने पर अपने आप शरीर में राम 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 चालू हो जाएगा। हो टहले जीवा नहले मुख से कहूँ न राम, राम मेरा भजन करे और मैं करूँ आराम। ये विधि उनको अच्छी तरह से बताई। अगर ज़्यादा विचार आ रहे हैं तो श्वास को रोक लें अंदर थोड़ी देर, फिर निकालें रोकें तो हो जाएगा। अब वो आई बिचारी, पढ़ी लिखी तो थी नहीं कि ज़्यादा कुतर्क करे, दुनिया भर की बात है, उसने क्या किया, काम करती, झाड़ू पोछा कर रही है, रोटी बना रही है, काम धंधा कर रही है, हर राम 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 करते 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 ऐसी स्थिति बन गई कि अखंड उसके परावाणी चालू हो गई, अखंड नाम चालू हो गया, राम 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 राम, अखंड सोते जागते उसको धुनि सुनाई देने लग गई। कुछ भी काम कर रही है, अब कहते पड़ोस में कोई उसकी हुई थी पड़ोसी, तो गाय का जो उपला बनाते हैं कंडा कहते हैं यहाँ की भाषा में, छाड़ा, तो वो छाड़ा बनाती, कोई पड़ोसी थी वो छाना उठा के अपने छाड़ों में मिला देती, माने चोरी कर लेती। अब चोरी कर लेती, उसने कहा बहन आप चोरी मत करो, आपको कोई चीज़ की आवश्यकता, भाई लेना तो ले लो वैसे मांग के, पर चोरी काम तो बहुत बुरा होता है। बोले कहाँ है हमारे, देखो कहाँ, कौन से तुम्हारे है, तो सब एक से ही, अब एक से देखे तो भाई उसमें पहचान कैसे हो, अब पहचान कैसे हो, लड़ाई हो गई, उसके विधवा थी, उसके भाई भाई भी आ गए उधर, उसके भी आ गए, सिर फूट गए, हाथ पैर टूट गए और लट चल गए। देखो अगर कितना अच्छा काम हो रहा है यहाँ के 70-75 गांवों से हरि कीर्तन करते हुए यहाँ आ रहे, और लोगों को टाइम नहीं है, सुनना मेरी बात को, क्यों बोले मैं समय नहीं है, काम धंधा, और सुनो अभी आप यहाँ लड़ाई लड़ने लग जाओ या कोई झंझट हो जाए तो सबरों गाँव इकट्ठो अभी यहीं हो जाएगा, पूरा भर जाएगा, जगह नहीं मिलेगी, सबके काम धंधे सब छूट जाएंगे, तुरंत आ जाएंगे यहाँ। अब पूछो अब टाइम ही नहीं है, समय ही नहीं है, तो अब ऐसा लड़ाई झगड़ा हुआ तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया। बोले भाई एक काम करो, गुरुजी आश्रम पे हैं भाई, संत महात्मा पे सब उपाय होते, साधु महात्मा तो भगवान के ध्यान में रहते तो प्रेजेंट ऑफ माइंड रहता है उनका 24 घंटा। तो महात्मा जी के पास पहुंचे भाई, गुरुजी बोले यार दो पांच सत्संग सुनने आते थे, आज तो पूरा गांव में इकट्ठा हो गए, आज का सबकी बुद्धि सुधर गई। बोले गुरुजी सत्संग सुनने कोई नहीं आ रहा, सब विवाद हो गया, लट चढ़ गए, लड़ाई हो गई। तो बोले भैया थाने जाओ, हमारे पास क्यों आए। बोले आप फैसला करो। बोले विषय क्या है, बताया तो उनका, अच्छा एक काम करो सब छानाओं को उठा के ले आओ, उठा के ट्रैक्टर ट्राली में भर भर के लाए और एक जगह डाल दिया और दस आदमियों को लगा दिया। बोले एक काम करो, छाना को उठाओ और ऐसे कान पे लगाओ जिसमें कुछ सुनाई दे वो एक तरफ रख दो, और जिसमें सुनाई न दे उसको एक तरफ रख दो।
अब लग गए दसवीं, अब जिसमें राम 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 राम, अब राम राम उसको एक तरफ रख दिया और दूसरी जगह जिसमें कुछ सुनाई नहीं देता दो ढेरी बन गई। बोले इसमें और इसमें क्या अंतर है? बोले गुरुजी इसमें कुछ राम राम सा सुनाई देता है। बोले इसमें? बोले कुछ नहीं। बोले ये कंडा जनाबाई के हैं और ये कंडा चोरी करने वाले के। बोलो गोविंद भगवान की। ऐसो नाम अभ्यास करने से होगा, असंभव नहीं है। इसकी और दो तीन मेरी प्रत्यक्ष घटना है, मैं उनको अब नहीं बताऊंगा, समय है ही नहीं, मेरे पे भी मेरे को जाना है, संध्या करनी है। अपनी वाणी में अपने मन में भगवान का ऐसा नाम जाप करो, ऐसी रगड़ करो, जैसे आदमी बुरे काम करने में चोर डकैत अपने शरीर में बम ब्लास्ट लगा के मर जाते, ऐसे ही घिसा, जैसे बादाम को जितना घिसते हैं, पत्थर को जितना घिसते हैं, ऐसे ही अपनी जीवा रूपी पत्थर पे बार बार भगवान को नाम रखो, बार बार रगड़ करो, रगड़ करते करते अपने आप मन पवित्र हो जाएगा। मन पवित्र होते ही जो विवेक है, ईश्वर का साक्षात्कार है, वो अपने अंतस्तर में प्रकट हो। बोलो गोविंद भगवान, श्री कृष्णचंद्र भगवान, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री रामचंद्र भगवान की। अबे आजे छेलो दिवस छे, थोड़ो वधारे समय लागशे, पण अपने वच्चे गौतम भाई, अपना भागवत कथाकार, अपना समाज नु गौरव, जे आपने अहीं अमे एमने वात करी, तमे छेला दिवसे एटा वधार जोड याद राखीने खास पधार्या छे, तो एमने प्रार्थना करिए कि थोड़ो कीर्तन कराओ, थोड़ो उपदेश आपो, पछी डीके साहेबने पण बे शब्दो कही, અને પછી થોડોક પ્રગાલ અમારે સંઘમાં જે જોડે આવ્યા છે ને મહારાજ શ્રી, એ બધાને થોડો સન્માનિત પણ કરવા છે, જે એક મહિનો સુખ દુઃખ સહન કરી અને અમારી જોડે